मणिपुर हिंसा के बाद अब भी लोगों में डर। 5,000 से अधिक लोगों ने मिजोरम राहत शिविर में ली शरण। हिंसा प्रभावित मणिपुर से 5,800 से अधिक लोग मिजोरम भाग गए हैं और वहां के विभिन्न जिलों में शरण ली है। इस बात की जानकारी रविवार को अधिकारियों द्वारा दी गई है। 5,000 से अधिक लोग अस्थायी राहत शिविर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि चिन कुकी मिजो समुदाय के कुल 5,822 लोग मिजोरम के 6 जिलों में अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि आइजोल जिले में इस समय 2021 के मुकाबले विस्थापित लोगों की संख्या सबसे अधिक है और इसके बाद कोलासिव 1,847 और सेतुअल 1,790 है। आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन की मांग। इस बीच मिजोरम के लोकसभा सदस्य सी लाल रोसांगा ने आदिवासी विधायकों के उस मांग का समर्थन किया है जिसमें आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन की मांग की है। कुकी के 10 विधायकों ने हिंसक झड़प को देखते हुए शुक्रवार को केंद्र से आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया है कि मणिपुर सरकार के तहत आदिवासी लोगों का अब कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। मैतेई समुदाय के आरक्षण को लेकर हुई हिंसा। दरअसल मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद मणिपुर में झड़पें शुरू हो गई थी। हिंसा से पहले कुकी के ग्रामीणों को आरक्षित वन भूमि से बेदखल करने को लेकर तनाव पैदा हो गया था जिसके कारण छोटे आंदोलन हुए थे। मणिपुर की आबादी में मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी करीब 53% है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं आदिवासी नागा और कुकी आबादी का 40% हिस्सा है और पहाड़ी जिलों में रहते हैं। असम भागने को मजबूर हुए लोग। मणिपुर की हिंसा ने काफी उग्र रूप ले लिया था। हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़ मची हुई थी। इस हिंसा में कई लोग मारे गए और कई लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा था। अधिकतर लोग मणिपुर और असम की सीमावर्ती इलाकों की ओर भागे और असम सरकार ने उनके लिए शिविर बनाए हुए थे। केंद्र ने किया समर्थन। इस पूरे हिंसा के दौरान केंद्र ने भी सीएम के संपर्क में रहकर हालातों का जायजा लिया। केंद्र के समर्थन के लिए सीएम एन वीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी किया था। कई दिनों तक इलाकों में कर्फ्यू लगाने के बाद हालात पर काबू पाना संभव हो सका था।